मैं जानता हूं कि आप सुबह से यहां बैठे हो, दिल्ली में फॉग के कारण हमारी फ्लाइट खारगे जी की फ्लाइट डिले हो गई, इसीलिए हम समय पर नहीं आ पाए। आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं आप सबसे शुरुआत में ही माफी मांगना चाहता हूं। उनतीस जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया, कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, 4000 किलोमीटर चले, और भारत को जोड़ने की हमने बात की, नफरत मिटाने की बात की, एक धर्म को, एक जात को दूसरी जात से मिलाने की बात की, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लाखों लोगों से बातचीत की, उनका दर्द सुना। मुश्किल था मगर बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की है तो फिर इससे वेस्ट भी यात्रा होनी चाहिए, और मैं चाहता था कि जैसे हमने पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर, वैसे ही हम ईस्ट से वेस्ट पैदल यात्रा करें। मगर चुनाव का समय है और उसमें हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, हमने निर्णय लिया कि ये बस यात्रा होगी, हाइब्रिड यात्रा होगी, बस यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी। सवाल उठा
कि यह यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। जो आपने यहां खोया, जो मेरे भाई ने बस के ऊपर कहा, कि वी हैव लॉस्ट व्हाट इज मोस्ट प्रेशियस टू अस, यू हैव लॉस्ट इट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द बीजेपी, बिकॉज ऑफ द हेट्रेड दैट द बीजेपी एंड द आरएसएस स्प्रेड इन देयर पॉलिटिक्स। आई वॉज लिसनिंग टू माई ब्रदर व्हेन ही वाज सेइंग वी हैव लॉस्ट व्हाट वी वैल्यूड, एंड आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ, यस यू हैव लॉस्ट व्हाट यू हैव वैल्यूड, बट वी विल फाइंड व्हाट यू वैल्यूड वंस अगेन एंड ब्रिंग इट बैक टू यू। वी अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस ऑन द स्टेज अंडरस्टैंड द पेन दैट द पीपल ऑफ मणिपुर हैव बीन थ्रू, वी अंडरस्टैंड द हर्ट, द लॉस, the sadness that you have been through, and we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued, we will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Question arises, why Nyay Yatra? Because we are going through a period of great injustice in India. Social, economic and political injustice. Injustice against the people of Manipur, the traditions of Manipur, but also injustice across the nation. Economically, monopolies are being built. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. On the social side, the large mass of India's people, the lower castes, Dalits, tribals, simply do not have a say in the governance system of the country. I have given example upon example of how the large mass of our people are excluded from the political system, from the governance system. So these are the issues that the Bharat Chodo Nyay Yatra is going to raise. But this is less about us and more about you. भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे,
और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था, शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की। और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर आप आए, दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको यहां बहुत समय रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आने वाले दिनों में आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा, बातचीत करने का मौका मिलेगा, गले लगने का मौका मिलेगा भारत छोड़ो न्याय यात्रा में। तो मैं काफी खुशी से आपसे मिलने की तैयारी करना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।